नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ चैप्टर 3 की बुक एक्सरसाइज आज रिवाइज करेंगे। बच्चों, हिंदी रीडर में हम लोगों ने चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए थे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न थे और शब्दार्थ थे। इनका रिवीजन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे जो हमारा हिंदी व्याकरण वाला पार्ट है उसकी, यानी बातें भाषा की। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। साहित्यिक, साहित्यिक नहीं होता बच्चों, साहित्यिक होता है। ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी होता है। विरुद्ध नहीं होता, विरुद्ध होता है। उपन्यास नहीं होता, उपन्यास शब्द होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, व पे रा आता है ऊपर। आह्वान नहीं होता, आह्वान होता है, ह आधा आता है। गाली गलौज, गाली गलौज नहीं होता, गाली गलौज होता है। और हरि भवन नहीं होता, हरि भवन होता है, यानी र पे छोटी की मात्रा आती है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें ई प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे नौकर प्लस ई नौकरी, विरोध प्लस ई विरोधी, किताब प्लस ई किताबी, समुद्र प्लस ई समुद्री, जीवन प्लस ई जीवनी, अनुभव प्लस ई अनुभवी, सिनेमा प्लस ई सिनेमाई और निवास प्लस ई निवासी। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग लिखिए। ये जो शब्द हैं इनके लिंग लिखने हैं हमें। तो इसमें पहला है प्रश्न नंबर का, लेखक कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता था। तो इसमें इसका लिंग का है, किताबें का लिंग है स्त्रीलिंग। ख है दयानंद सरस्वती साधुओं के बीच घूमते रहते थे। साधुओं शब्द होगा पुल्लिंग। ग है किताबों ने मेरे लिए एक नया द्वार खोल दिया, तो द्वार शब्द होगा पुल्लिंग। पिताजी ने अपनी चीज़ें हटाकर अलमारी में जगह बनाई, चीज़ें यानी स्त्रीलिंग। ड़ा है माँ की आंखों में आंसू आ गए, आंसू शब्द पुल्लिंग है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 4। पाठ से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द है बच्चों इसमें कन्या, आह्वान, गृहिणी। तद्भव है पिता, घर और दिन। और तत्सम है देशज है थाली, कुल्लड़, पैसा। और विदेशी शब्द है फर्स्ट, नंबर, जहाज। इसके बाद बच्चों अगला है इसमें प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य तथा विधेय अलग करिए। अब इन वाक्यों में से हमें उद्देश्य और विधेय को अलग करके लिखना है। तो पहला है क, लेखक ने मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत पिया। तो इसमें बच्चों लेखक शब्द जो है वो उद्देश्य है और लेखक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत पिया ये विधेय है। ख है लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय बंद कर दिया। तो इसमें लाइब्रेरियन शब्द उद्देश्य है और ने पुस्तकालय बंद कर दिया ये विधेय है। ग, पुस्तक विक्रेता ने पुरानी पुस्तकें दे दी। तो पुस्तक विक्रेता ने, पुस्तक विक्रेता शब्द उद्देश्य है और ने पुरानी पुस्तकें दे दी ये विधेय है। दयानंद सरस्वती तपस्या कर रहे थे, तो दयानंद सरस्वती यहाँ पर उद्देश्य है और तपस्या कर रहे थे विधेय है। इसके बाद ऋण वाला है, चूहा भगवान का प्रसाद खा रहा था। तो इसमें चूहा शब्द उद्देश्य है और भगवान का प्रसाद खा रहा था ये विधेय है। इसके बाद बच्चों अगला आता है, निम्नलिखित वर्ण संयोगों से बने दो दो शब्द लिखिए। वर्ण संयोगों के दो दो शब्द लिखने हैं, जिसमें स प्लस त्र स्त्र, तो ये को स्त्री और वस्त्र। क और त, तो इसका होगा वक्त और रक्त। द और ध, इसको मिला करके बनेगा विरुद्ध शुद्ध। ट और ट मिला करके बनेगा खट्टा और पट्टा। न और य मिला करके बनेगा न्याय न्यास। और स और त से मिलेगा
पस्त और मस्त। तो बच्चों आपको ये जो बुक एक्सरसाइज मैंने आपको रिवीजन कराई है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है और लिखकर भी देखना है। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।